सत श्रीकाल दोस्तों, स्वागत करता थोड़ा सारिया का मीत अकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अज थोड़े लिए बहुत वधिया रिक्रूटमेंट अपडेट लैके आया हाँ, जो कि पंजाब के कैंडीडेट लिए निकल के आ चुके हैं जी, जिसके लिए तुम अपलाई कर सकते हो। किदा अपलाई करना है, कौन कौन अपलाई कर सकता है, पूरी जानकारी मैं अज्ज इस वीडियो तुम्हें देन जा रहा। सो वीडियो एंड तक पूरा जरूर देखियो। तो फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हो, चैनल कर लियो सबसक्राइब, तो बैल आइकन भी दबा लियो, ताकि हर एक रिक्रूटमेंट अपडेट तुम्हें मोबाइल के मिलता रहे, तो समा रेंदे ये अपलाई कर पाओ। वैकेंसीज की गल करा, होर बहुत सारिया वैकेंसीज ने जिन्हों साड़ी वैबसाइट पर जाके चैक करके अपलाई कर सकते हो। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहना साढ़े हर एक अपडेट में सब तो पहले पाने लिए। तो चलो चलते हैं जी रिक्रूटमेंट अपडेट के उपर, तो उत्थे चल के बाकी की इनफॉर्मेशन मैं थोड़े शेयर करदा। बाकी किसी तरह का कोई डाउट होंगे कमेंट बॉक्स कमेंट करके दस सकते हो। तो चलो चलते हैं जी रिक्रूटमेंट अपडेट के उपर। सब तो पहले गल करा, ये जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोनोलॉजी की है, जिस इस पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल एजुकेशन रिसर्च वालों ये नोटिफिकेशन जोड़ा वो जारी किया गया है जी। ये सैक्टर 12 ए चंडीगढ़ वालों नोटिफिकेशन हैगा जी। लोकेशन जी रहेगी ये रहेगी, इस वैकेंसीज ने वो दस देना। सब तो पहली वैकेंसी जी है जी वो रिसर्च एसोसीएट जी है जी ग्रुप 2 की है, जिस एक पोजिशन जी है वो आउट की गई है, जिस जिन्होंने MBBS की हुई है या PhD की हुई है, लाइफ साइंस की हुई है, ठीक है जी, और सबमिटेड है, तो वो ये अपलाई कर सकते हैं। और प्रेफरेंस जिन्होंने NET गेट क्लीयर्ड है उन्होंने दी जाएगी। बाकी अगर तुम क्लीयर नहीं भी किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपलाई ये कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस जी है जी उन्होंने मिलेगी। 35 साल तक की एज होनी चाहिए है। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC PH वूमेन कैंडिडेट्स जी है जी वो दी ही जाएगी। उस तो बाद नैक्सट अगर मैं गल करा, इस एक्सपीरियंस थोड़ा क्लीनिकल रिसर्च के हैगा है, तो तुम्हें फायदेमंद रहेगा ये। उस तो बाद नैक्सट अगर मैं गल करा, जूनियर रिसर्च फैलो की एक पोजिशन है, जिद मास्टर्स तुम्हें की है फर्स्ट क्लास के नाल जेनेटिक्स के, लाइफ साइंस के, माइक्रोबायोलॉजी के, बायोकमिस्ट्री के, इम्यूनोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी मोलीक्यूलर बायोलॉजी के, सैल बायोलॉजी के अपलाई कर सकते हो। नैट गेट क्वालिफाई कैंडिडेट को जी अजे इतने प्रेफरेंस है वो दी जाएगी। 28 साल के कैंडिडेट ने एलीजिबल ने तो अपलाई कर सकते हैं। और इस SC ST भी जी है प्लस OBC PH कैंडिडेट को प्रेफरेंस जी है जी वो दी जाएगी। उस तो बाद नैक्सट अगर गल करा, लैब टैक्नीशियन की एक पोजिशन है, जिद BSc MLT की हुई जिन्हें कैंडीडेट्स ने वो ये अपलाई कर सकते हैं जी। और प्रेफरेंस जी है जी एक्सपीरियंस जिन्होंने क्लीनिकल रिसर्च के हैगा वो ये अपलाई जोड़ा वो कर सकते हैं जी। 28 साल तक के कैंडीडेट ने एलीजिबल ने SC ST PH और OBC कैंडीडेट में जी प्रेफरेंस है वो इतने दी ही जाएगी। उस तो बाद नैक्सट अगर मैं गल करा, ये नोटिफिकेशन तुम देख सकते हो जी, ये नोटिफिकेशन है जिद अपलाई करना होगा, ठीक है जी। ये प्योरली टैंपरेरी बेसिस से वैकेंसीज होंगे ने जिन्हों ये रिन्यू करते हैं बाद रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि प्रोजेक्ट बेसिस से चल दी ने वैकेंसीज जी ने। सो ये जोड़ा है जी अपना अपलाई कर लेना है। सो ये 24/6/2023 तक जोड़ा तुम अपनी सारी डिटेल्स जीडिया ने कंप्लीट बायोडेटा जोड़ा इंटरस्टिड कैंडिडेट जोड़े ने वो अपलाई करेंगे, ठीक है जी। इन्होंने एड्रैस प्रॉपर दिता हो, तुम देख सकते हो ये वाला जो एड्रैस है, ठीक है जी, ये तुम देख सकते हो, ग्राउंड फ्लोर नहरू हॉस्पिटल PGIME वालों ये नोटिफिकेशन है। सो थोड़ी पर्सनल इंटरव्यू जी वो होगी अलोंग विद थोड़े ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जिन्हें भी थोड़े ओरिजिनल सर्टिफिकेट ने वो तुम लैके जाने ने, ठीक है जी। डिपार्टमेंट तुम देख सकते हो PGI का डिपार्टमेंट है, जिद वालों ये नोटिफिकेशन जोड़ा है जी वो आउट किया गया है। सो बाकी नोटिफिकेशन के लिए तुम साड़ी वैबसाइट को जोड़ा जी रैफर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन इस नोटिफिकेशन का भी है, वो तो भी तुम चैक कर सकते हो। यह अज का नोटिफिकेशन, तो हूँ मैं तुम्हें मिलागा नवे नोटिफिकेशन नवी वीडियो के, तद तक के लिए धन्यवाद जी।